बॉलीवुड को उरी जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले आदित्य धार का ड्रीम प्रोजेक्ट द इमोर्टल अश्वत्थामा को बनाने का सपना टूट गया है। आदित्य धार, जो कि पिछले 4 सालों से इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक ये फिल्म बनने भी वाली थी, लेकिन अब हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जियो स्टूडियोज ने इस फिल्म को बनाने से मना कर दिया है। बता दें कि इस फिल्म को पहले प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन ओवर बजट होने के कारण उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी। लेकिन आदित्य धार ये फिल्म बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए जियो स्टूडियोज को अप्रोच किया था। जियो स्टूडियोज ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए हामी भी भरी थी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी थी। जियो स्टूडियोज ने शर्त रखी थी कि फिल्म में विकी कौशल की जगह किसी बड़े सुपरस्टार को लिया जाए। जियो स्टूडियोज का मानना था कि यह एक बड़े बजट की फिल्म है, तो इसमें एक बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए। आदित्य ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस शर्त को मान लिया और विकी की जगह दूसरे एक्टर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। हालांकि आदित्य की इस फिल्म के लिए पहली चॉइस विकी कौशल ही थे। आदित्य ने रणवीर सिंह को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, लेकिन रणवीर ने इस फिल्म को लेकर हामी नहीं भरी है, क्योंकि खबरों की माने तो रणवीर सुपर हीरो शक्तिमान पर एक फिल्म की तैयारियां कर रहे हैं और वे अश्वत्थामा को लेकर हामी भरने में अभी भी संशय में हैं। इसके बाद आदित्य ने साउथ के 3 बड़े सुपरस्टार्स रामचरण, जूनियर NTR और यश को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, लेकिन इन तीनों अभिनेताओं ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म को बनाने से पहले ही इतना लंबा खींचे जाने पर जियो स्टूडियोज का लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए जियो स्टूडियोज अब इस फिल्म को नहीं बनाना चाहती है। वहीं अब आदित्य धार भी इस फिल्म को कुछ समय के लिए नहीं बनाना चाहते हैं, वह अब एक छोटे बजट की दूसरी फिल्म पर काम करेंगे। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लहरें।